हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंडसइंड बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज किया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है इंडसइंड बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ पे टैब में आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑफर रेट और क्विक लिंक्स करके टैब होगा, तो यहाँ पे आप लोग को रेट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो सेविंग अकाउंट रेट, फिर फिक्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे आप लोग को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं इंडसइंड बैंक का इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो पहले मैं आप लोग को सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आप लोग को टर्म डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट विद इफेक्टिव फ्रॉम October 18, 2022 से इफेक्टिव है अप टू 1 लाख 4%, 1 लाख टू 10 लाख 5%, 10 लाख टू 1 करोड़ 6% और 1 करोड़ टू 100 करोड़ 6%। यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम October 18, 2022 से। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ टर्म डिपॉजिट रेट के बारे में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है फिक्स डिपॉजिट में। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 2 करोड़ के बारे में। तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक और एनआरओ एनआरई सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट विद इफेक्टिव फ्रॉम December 22, 2022 से इफेक्टिव है। 10 ईयर लेस देन 2 करोड़ के लिए है और लेस देन 2 करोड़ सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है। 7 से 14 डेज 3.50 नॉर्मल सिटीजन केस में और सीनियर सिटीजन केस में 4%, 15 से 30 डेज 3.50 नॉर्मल सिटीजन केस में और सीनियर सिटीजन केस में 4%, 31 से 45 डेज 4% फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 4.50, 46 से 60 डेज 4.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 4.75, 61 से 90 डेज 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5%, 91 से 120 डेज 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5%, 121 से 180 डेज 4.75 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 5.25, 181 to 210 day 5.50 for normal citizen or senior citizen case में 6%, 211 day to 269 day 5.50 for normal citizen or senior citizen case में 6%, 270 day to 354 day 5.75 for normal citizen or senior citizen case में 6.25, 355 day to 364 day 6% for normal citizen or senior citizen case में 6.50, 1 year to below 1 year 6 months 6.75 for normal citizen or senior citizen case में 7.25 और 1 year 6 months to below 1 year 7 months 7% for normal citizen or senior citizen case में 7.50, 1 year 7 months to below 2 year 7% for normal citizen or senior citizen case में 7.50, 2 year up to 2 year 1 month 7.25 for normal citizen or senior citizen case में 7.85, above 2 year 1 month to below 2 year 6 months 7% for normal citizen or senior citizen case में 7.60, 2 year 6 months to below 2 year 9 months 7% for normal citizen or senior citizen case में 7.60, 2 year 9 months to below 3 year 7% for normal citizen or senior citizen case में 7.60, 3 year to below 61 months 6.75 for normal citizen or senior citizen case में 7.35, 61 months and above 6.50 for normal citizen or senior citizen case में 7.10। Indus Tax Saver Scheme जो है 5 साल का रहता है और इसमें जो है टैक्स बेनिफिट आप लोग को मिल जाता है और ये 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है। आप लोग इमरजेंसी के वक्त ये पैसा निकाल नहीं सकते हो। इसमें जो है 6.75 मिलेगा नॉर्मल सीजन केस में और सीनियर सीजन केस में 7.35। तो आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया गया शॉर्टर ड्यूरेशन में भी। अगर आप लोग 1 ईयर 6 मंथ के अबव भी करते हो तो 7% यहाँ पे आप लोग को मिल जा रहा है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा 7.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में 7.85। तो यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिल जा रहा है इंडसइंड बैंक में। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये था इंटरेस्ट रेट इंडसइंड बैंक के लिए फॉर नॉर्मल सिटीजन एज वेल एज सीनियर सिटीजन केस में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।